नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। घर वालों ने मरा समझकर जिसका अंतिम संस्कार कर दिया, वो मृतक 13वीं के दिन घर पहुंच गया। मृतक को जिंदा देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। इस मामले में अब परिजनों की मुश्किल बढ़ गई है। बता दें कि गलत शव का अंतिम संस्कार करने पर पुलिस अब कार्यवाही करेगी। MP के श्योपुर का रहने वाला मजदूर सुरेंद्र शर्मा राजस्थान के जयपुर में काम करता था। सवाई माधोपुर के सूरवाल इलाके में 26 मई को एक हादसा हुआ, जिसमें घायल एक अज्ञात व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की तस्वीर जारी की। इस पर परिजनों ने सुरेंद्र के रूप में शव की पहचान की और उसे घर ले आए। बता दें कि इसके बाद घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। 13वीं के दिन 9 जून को मृतक सुरेंद्र शर्मा अपने घर वापस आ गया। उसे जिंदा देखकर घर वाले भी दंग रह गए। फिर परिवार को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत व्यक्ति की पहचान कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं परिजनों ने राजस्थान पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस मंगलवार को मृतक के असली परिवार के घर पहुंच गई। बता दें कि जिसकी पहचान धारा सिंह के रूप में हुई है और उसकी अस्थियां एकत्र की। धारा सिंह के परिजनों ने अंतिम संस्कार पर आपत्ति जताई है। इसे लेकर सूरवाल थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अब सुरेंद्र शर्मा के परिवार के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार कर रही है। गलती के बारे में पूछे जाने पर सुरेंद्र के चाचा ने बताया कि जयपुर पुलिस ने वीडियो और तस्वीरें जारी की थी। वहीं सुरेंद्र के बड़े भाई ने शव की पहचान की थी।